बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन कावड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए पूरे तरीके से मुस्तैद है। आपको बता दें, बुलंदशहर से मेरठ जाने वाले हाईवे को पुलिस प्रशासन के द्वारा एहतियात के तौर पर बनवे कर दिया गया है, जहां से अब सभी वाहन हाईवे के एक तरफ से होकर चलेंगे, तो वहीं हाईवे के दूसरे हिस्से को कांवड़ियों के आवागमन के लिए खाली करा दिया गया है, जहां से गंगा जल लेकर कांवड़िए अपने गंतव्य जा सकेंगे। हालांकि फिलहाल बड़ी तादाद में हरिद्वार और गौमुख से गंगा जल लेकर कांवड़िए बुलंदशहर पहुंचना प्रारंभ हो गए हैं। गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा हाईवे को एक तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। गलत दिशा में आने वाले वाहनों को पुलिस वापस लौटा रही है और वाहन चालकों से पुलिस बनवे के नियम का पालन करने की अपील कर रही है। यह व्यवस्था कांवड़ यात्रा पूर्ण होने तक लागू रहेगी। कांवड़ियों के लिए प्रशासन ने हाईवे और सड़कों पर सांकेतिक बोर्ड लगाए हैं, ताकि कांवड़िए उसी मार्ग से चले। हाईवे और सड़कें बोल बम के जयकारों से गूंज रही है। शिव भक्तों कांवड़िए डीजे और भजनों पर नाच गाकर अपने गंतव्य को जा रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट, बुलंदशहर से संवाददाता बुशरा खान की खास रिपोर्ट।